everyone, welcome back to my channel. You are watching Style with Shivi, and today's look is about Sara Ali Khan's look. Well, this look is not so much glamorous, but you can try this in summers as well. And this look will match your outfit easily matched up. Whether you are wearing Indian pehni or Western, and I'm really looking forward to try and recreate this super cool and easy but yet very glamorous look. So without any further ado, let's start. सो अपना मैं कोई भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपनी स्किन के साथ साथ अपने लिप्स को भी प्रेप करती हूँ. और एज यू कैन सी, आप मेरे लिप्स पर जो ये पिंक कलर देख रही हैं, ये है ब्यूटीफुल ब्लू हेवन का ये नेचुरल लिपस्टिक का. ये देखने में तो ग्रीन है, बट इसको अप्लाई आप जितना कोट करेंगे इसकी जो रेडिशनेस है वो इंक्रीज होती जाएगी और इट विल टर्न आउट इन टू रेड टू पिंक टोन. और इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना कोट करते हैं इसको, बट इट इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग. ये आपके फेस के साथ साथ आपके बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक देता है और ये पर्सनली मेरा फेवरेट है. और अगर मैं फेस की बात करूँ तो मैंने आज अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र और अपना जो बेस है लाइक प्राइमर है वो ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है. और अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना मेकअप फाउंडेशन से. इसके लिए मैं कलर डीवा का लिक्विड मेकअप फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ मोर कवरेज, लाइक दिस इज़ सेमी कवरेज फाउंडेशन, और ये वाकई में बहुत ही स्मूथ है. स्मूथनेस के साथ साथ ये ब्लेंड बहुत इजीली हो जाता है और आपको ये बहुत ज़्यादा भी अप्लाई नहीं करना पड़ता. बहुत हल्का सा अमाउंट में आप लीजिए और ये आपको एकदम नेचुरल स्किन टोन देता है. तो चलिए मैं यहाँ पर इसको ब्लेंड कर लेती हूँ. मेकअप पर बेस अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर कंसीलर ले रही हूँ और आज मैं एलेगल प्रो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. ये बहुत ही अच्छा है. अगर आपके कोई भी डार्क सर्कल्स हैं या स्पॉट्स हैं, उसको बहुत ही इजीली और नेचुरल तरीके से हाइड कर देता है. और अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा, लाइक ऐसा नहीं है कि ये सबसे बेस्ट है, इससे भी अच्छे अच्छे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनको आप ऑनलाइन चेकआउट कर सकते हैं. बट ये पर्टिकुलरली मुझे यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी लगता है और ये मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ टू हाइड माई डार्क सर्कल्स. वैसे तो मेरे फेस पर ज़्यादा पिगमेंटेशन या फिर डार्क सर्कल्स हैं नहीं, पर जो भी करेक्टिंग एरिया है नीडेड उस पर मैं ये ज़रूर अप्लाई करती हूँ. ऑलराइट, तो मैंने मेकअप बेस लगा लिया है, करेक्टर लगा लिया है, लाइक कंसीलर लगा लिया है. अब हम आगे बढ़ते हैं आई मेकअप की तरफ. आज के लुक में जो सारा अली का मेकअप है वो ज़्यादा ग्लोई नहीं है और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ग्लैमरस भी नहीं है. बहुत ही ईजी है, बहुत ही सोबर है, बहुत ही सिंपल है. उसमें बस पतला सा लाइनर है और बहुत ही डिफाइंड काजल है और सिर्फ लैशेस पर मस्कारा लगा हुआ है. तो इसके लिए मैं शुरू करती हूँ अपना आई मेकअप. और मैं यहाँ पर SQ बेलेस काजल यूज़ कर रही हूँ. ये सच में बहुत अच्छा है. मेरी जो स्किन है वो सुपर ऑयली है और प्लस मेरी आँखों में काजल टिकता भी नहीं है, लेकिन ये एक पहला ऐसा काजल है जो एज़ कम्पेरेटिव टू बाकी अदर प्रोडक्ट ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है. तो सबसे पहले मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ और यहीं से हम अपना आज का जो सारा अली खान का मेकअप लुक है वो शुरू करने वाले हैं. और आपको ध्यान रखना है, आपको ये ज़्यादा फैलाना नहीं है, सिर्फ अपनी वाटर लाइन पर लगाना है अगर आप ये वाला लुक रिक्रिएट करना चाहते हैं तो. गाइज, अगर आपको भी आई लैशेज में काजल लगाते में पानी आता है तो हमेशा ध्यान रखें कि बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगाएं, बिकॉज एक साथ आप फ्लो में लगाएंगे तो आंखों में ज़्यादा इरिटेशन होते हैं जिसकी वजह से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है और फिर आई मेकअप करना मुश्किल ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल हो जाता है. एंड सेकेंडली, अगर आपकी वाटर लाइन पर काजल टिकता नहीं है, स्मॉर्ट जो जाता है, लाइक जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग काजल लगाते हो यहाँ यहाँ तक फैल जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ. मेरा वाटर लाइन से काजल बहुत जल्दी उतर जाता है, इसलिए वो फ्लो ना हो मैं काजल लगाने के बाद उसके साथ साथ बहुत ही बारीक सा लाइनर लगा लेती हूँ, जिससे जो काजल का जो बाउंड्री है वो एकदम सील हो जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी बन जाता है. ऑलराइट, तो मैंने वाटर लाइन पे तो लगा लिया है काजल. अब मैं बहुत ही हल्का हल्का, लाइक दिख रहा होगा आपको आई होप, बहुत ही हल्का हल्का मैं बाहर लगा रही हूँ.
वैसे तो जनरली आई डोंट अप्लाई काजल बिकॉज आफ्टर अप्लाइंग काजल इन माई वाटर लाइन माई आई स्टार्टेड लुकिंग सो स्मॉल सो दैट्स व्हाई बट ठीक है आज का लुक है रिक्रिएट करना है तो इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर लाइनर के लिए मेरे पास है ये वाटरप्रूफ पावर लास्टिंग लाइनर फ्रॉम द मैक ये मैंने एक्चुअली ओपन मार्केट से लिया था क्योंकि मेरा लाइनर जो था वो ख़त्म हो गया था और ऑनलाइन आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था तो इस लुक में जो सारा का है उसमें बहुत मोटा लाइनर नहीं है बहुत ही पतला है तो हम भी यहाँ पर पतला लाइनर लगाने की कोशिश करेंगे और राइट गाइज तो आई मेकअप मेरा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आई मेकअप में वो है मस्कारा और मस्कारे के बिना आपका आई लुक हमेशा इनकम्प्लीट ही रहता है तो और आज मैं ये वाला मस्कारा यूज़ कर रही हूँ जिसको मैंने अमेजोन से ख़रीदा था और ये फुल कवरेज मस्कारा है बहुत ही अच्छा लुक देता है एंड इसका है वॉक फ्री वाटर प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा और इसको अप्लाई भी बहुत करना ईजी है इसका जो बाउंड है वो काफ़ी लेंदी है और इससे आपके जो लैशेज हैं वो बहुत अच्छे से कर्ल आउट भी हो जाते हैं और अब मैं आई मेकअप कंप्लीट करने के लिए ये लास्ट लगा रही हूँ उसके बाद हम लिपस्टिक की तरफ करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं लिप्स की तरफ और आज जो मैं लुक रिक्रिएट करी हूँ सारा अली का उसमें उन्होंने रेड कलर की बोल्ड लिपस्टिक लगाई है जो हमेशा से ही ट्रेंड में तो रहती ही है लेकिन हमेशा हर किसी को बहुत अच्छा पॉप आउट लुक भी देती है तो इसलिए आज मैं यहाँ पर लॉरल पेरिस की इन द शेड 115 आई एम वर्थ इट लिप्स शेड यूज़ कर रही हूँ जो मुझे लगता है इस लुक के लिए काफ़ी नियर बाय है तो इसको अप्लाई करते हैं ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छी है और सबसे बड़ी बात इस लिपस्टिक का जो एप्लीकेटर है वो बहुत ही प्यारा है क्योंकि इसे लगाने में बहुत ही इजी होता है और ये सुपर मैट में भी है लिपस्टिक इसका फॉर्मूला बहुत लाइट वेट है ऑलराइट गाइस सो वी आर डन विद आवर फेस मेकअप नाउ इट्स टाइम टू चेंज माय आउटफिट एंड जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है फुल और राइट गाइस सो आई होप आपको आज का ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा जितना मज़ा मुझे इसे शूट करने में आया उतना अच्छा आपको देखने में भी लगा होगा और मेरा लुक सारा अली के इस लुक से कितना ज़्यादा मैच कर रहा है कमेंट ज़रूर करें व्हाट यू थिंक अबाउट दिस माय मेकअप लुक रिक्रिएशन एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टा देन माय हैंडल इज स्टाइलविशिवी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो सी यू टेक केयर बाय बाय